नजर सुपर फास्ट खबरों पर। आज जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी के चुनावी सभा, श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात। मोदी कैबिनेट में एक देश एक चुनाव को मिली मंजूरी, शीतकालीन सत्र में बिल लेकर आएगी सरकार, कोविड कमेटी की रिपोर्ट को दी गई मंजूरी। पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बधाई दी, पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मंत्रिमंडल ने एक साथ चुनाव के बारे में उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने का सपा बसपा समेत 30 से ज्यादा पार्टियों ने किया समर्थन, तो कांग्रेस आप समेत करीब 15 राजनीतिक दल कर रहे प्रस्ताव का विरोध। वन नेशन वन इलेक्शन पर कैबिनेट के फैसले को अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक, एक्सपर्ट पोस्ट कर कहा इस निर्णय से लोकतंत्र होगा मजबूत, योगी धामी ने भी किया फैसले का स्वागत। कड़ी सुरक्षा के बीच खत्म हुआ जम्मू कश्मीर के पहले चरण का रन, प्रदेश के इतिहास में पहली बार बंपर वोटिंग, लगभग 60% हुई मतदान। दिल्ली में आज सहकारिता मंत्रालय 100 दिनों में की गई पहलों पर आयोजित करेगा राष्ट्रीय सम्मेलन, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधन। कांग्रेस नेता सचिन पायलट जम्मू कश्मीर दौरे पर, आज राजौरी में सभा को करेंगे संबोधित, 2 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरियाणा में आज जारी होगा बीजेपी का मैनिफेस्टो, रोहतक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी करेंगे घोषणा पत्र, सीएम सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली रहेंगे मौजूद, युवाओं किसानों और गरीब के लिए अहम घोषणाएं संभव। हरियाणा के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो में 7 गारंटियां। हरियाणा के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, तेलंगाना मॉडल पर आधारित है कांग्रेस का मैनिफेस्टो, पुरानी पेंशन स्कीम और मुफ्त स्कीमों पर लगाया दांव। जेजेपी के घोषणा पत्र में हर वर्ग का रखा जाएगा ख्याल, आज जेजेपी का घोषणा पत्र होगा जारी, अग्निवीर युवा महिला और किसानों पर रहेगा फोकस। आज से 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, 20 सितंबर को बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का करेंगे शुभारंभ, साहिबगंज के भोगनाडी से शुरू हो रही है परिवर्तन यात्रा। आज से आरजेडी का सदस्यता अभियान, दिल्ली में मीसा भारती के आवास से लालू करेंगे शुरुआत। उपचुनाव के लिए नई रणनीति बनाने में जुटी मायावती, आज डीएसपी नेताओं संग करेंगी बैठक, तय करेंगी पार्टी का एजेंडा। उपचुनाव से पहले फिर अयोध्या जाएंगे सीएम योगी, सीएम योगी देंगे मिल्कीपुर वासियों को 100 करोड़ का तोहफा। सीएम योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद दौरा, रोजगार मेले में की शिरकत, युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र और टैबलेट, सपा कांग्रेस को साधा निशाना। सीएम योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा कि एसपी सरकार में दंगे होते थे, औरंगजेब की आत्मा विपक्ष के अंदर घुस चुकी है। 21 सितंबर को सीएम के तौर पर शपथ लेंगी आतिशी, एलजी विनय सक्सेना दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ, 2 से 3 नए चेहरों को आतिशी कैबिनेट में दी जा सकती है जगह। कोलकाता केस को लेकर एक बार फिर से सरकार और जूनियर डॉक्टर्स के बीच हुई बैठक, सचिवालय में डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल के राज्यों के मुख्य सचिव के साथ हुई मीटिंग। कोलकाता महिला डॉक्टर हत्याकांड को लेकर बीजेपी ने निकाला मशाल जुलूस, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के साथ की गई बड़े नेता प्रदर्शन में शामिल। दिल्ली में संघ प्रमुख ने चारों वेदों के भाष्य के तीसरे संस्करण का किया विमोचन, कहा भारत और वेद समानार्थी, वेद में जीवन का हर मूल्य मौजूद। बिहार में गंगा नदी में उफान से बाढ़ जैसे हालात, सड़कें डूबी, घर और स्कूलों में पानी घुसा, लोगों की बड़ी मुसीबत। दिल्ली एनसीआर में लगातार हुई झमाझम बारिश से मौसम में आई ठंडक, लेकिन जगह जगह हुए जल जमाव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, ट्रैफिक जाम ने वाहन चालकों के छुटाए पसीने। लेह में भारतीय सेना के हिम ड्रोन एथॉन 2 कार्यक्रम का आयोजन, उच्च ऊंचाई वाले वारीला में किया गया आयोजन, कोर कमांडर मेजर जनरल हितेश भल्ला ने की शुरुआत। बिहार और यूपी में मालगाड़ियां हुई बेपटरी, बिहार के मुजफ्फरपुर समस्तीपुर लाइन पर 4 बोगियां हुई बेपटरी, तो यूपी के मथुरा पलवल रूट पर 20 बोगियां हुई डिलेयर। दिल्ली के करोल बाग में इमारत का हिस्सा ढहा, हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत, 15 लोगों को मलबे से निकाला गया, आतिशी ने घायलों से की मुलाकात। राजस्थान के बांदीकुई में खुले बोरवेल में गिरा मासूम, सीसीटीवी कैमरों की मदद से रखी जा रही है बच्चे पर नजर,
जेसीबी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के नासिक में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पड़ोसियों ने जताई सुसाइड करने की आशंका। पति पत्नी और बेटे के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लेबनान में एक बार फिर से सीरियल ब्लास्ट, पेजर और कई कम्युनिकेशन डिवाइसेस में हुए ब्लास्ट, 24 घंटे में धमाकों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत। लेबनान में लगातार 2 दिनों से हो रहे सीरियल ब्लास्ट के बाद लोगों ने यूएन दफ्तर पहुंचकर के हंगामा। यूएन की पीस कीपिंग फोर्स की गाड़ियों पर किया पथराव। सीरियल ब्लास्ट में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। भारत बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच आज से चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा मैच।